साथियों, जो कांग्रेस देश की रक्षा और सुरक्षा के हितों को दांव पर लगा सकती है, वो किसी को भी दांव पर लगाने में देर नहीं करती। याद करिए कैसे असम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान, अपने कल्चर की सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ा। कांग्रेस का परिवार और गुवाहाटी में उनके राग दबारी सत्ता में बने रहे, इसके लिए घुसपैठियों का एक वोट बैंक बनाने की साजिश रची गई। इन लोगों ने बांग्लादेश की सीमा के मुद्दे को जानबूझ करके लटकाए रखा, उसको सुलझाने की कोशिश नहीं की। घुसपैठ होती रही, आपका नुकसान होता रहा और कांग्रेस इसका फायदा उठाती रही। कांग्रेस से असम को यही मिला है। साथियों, 1971 के युद्ध के बाद कांग्रेस चाहती तो असम से लेकर कश्मीर तक की समस्याओं का समाधान कर सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर भी जलता रहा और असम की स्थिति भी गंभीर होती गई। जब आपका ये चौकीदार कांग्रेस के करतूतों को सुधारने का काम कर रहा है, हमने असम के हितों की रक्षा के लिए, असम की अस्मिता के लिए, सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता हमारी ही सरकार ने पूरा किया है। इससे सीमा पर फेंसिंग का काम आसान हुआ है। जो पहले से ही घुसपैठ कर चुके हैं, ऐसे लोगों की पहचान के लिए प्रक्रिया जारी है। बहुत ही जल्द ये काम पूरा किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि कोई भी भारतीय इससे छूटे ना और किसी घुसपैठिया का नाम रजिस्टर में घुसे ना।